हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके लिए सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य का पार्ट टू लेकर आई हूं। जीएस पेपर फोर जो कि एथिक्स का पेपर है, यूपीपीएससी और यूपीएससी मेंस 2019 में जो होने वाला है 18 का, जो कि जून में होगा, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं कि ये जो यूपीपीएससी का सिलेबस है और यूपीएससी का सिलेबस है, आप उठा के देख लीजिए, एथिक्स का दोनों का सिलेबस डिट्टो सेम है, ए टू जेड कॉपी किया हुआ है यूपीपीएससी ने यूपीएससी से। तो फिर दोनों का हम साथ के साथ लेके चल सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी इसमें इशू नहीं है कि ये पॉइंट उसमें है या उसमें नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ये दोनों पॉइंट साथ में लेकर चलेंगे। यहाँ पर इसका पार्ट वन मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं पार्ट टू कराऊंगी और ये पार्ट टू कराने के बाद सिविल सेवा के लिए बुनियादी जो मूल है, फाउंडेशनल वैल्यूज़, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर फटाफट यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट पाएंगे हमारे चैनल पे। तो जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और वीडियो जो भी आपके काम की हैं वो हमारे चैनल पर दिखाई जा रही हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते हैं सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला टॉपिक हमारे चल रहा है सिविल सेवा के लिए। अभिरुचि हम पहले कर चुके हैं, बुनियादी मूल्य हम करेंगे। इसके बाद सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, ये जो भी पॉइंट्स हैं एक एक करके करेंगे, और इसके अंदर जितने भी सब पॉइंट्स होते हैं सब हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसे फोर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। देखा था कि आधारभूत मूल्य होते क्या हैं, लोक प्रशासन में नैतिकता होती क्या है, और आज हम करेंगे नैतिक स्थिति के निर्धारक कौन कौन से तत्व हैं, और सामान्य नैतिक समस्याएं या मुद्दे क्या क्या हैं हमारी भारतीय जीवन शैली में या भारतीय प्रशासन में, कौन कौन से मुद्दों का सामना हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को करना पड़ता है। तो ये आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। वैल्यूज़ के बारे में हमने बात की थी, अब हम बात करेंगे कि नैतिक स्थिति के निर्धारक कौन कौन से कारक हैं। तो ये पांच कारक डिवाइड किए हैं हमने, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक कारक, कानूनी कारक, राजनीतिक कारक और आर्थिक कारक। लेकिन ये किस हिसाब से डिवाइड है और किस तरह ये नैतिक स्थिति के निर्धारक के रूप में जिम्मेदार हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको इसे समझाती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक कारकों की। तो जो भी नैतिक स्थिति है वो हमारे इतिहास से संबंधित है बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपने बुक्स पुरानी देखी होगी, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, इसमें आपको पता है ये पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट बुक थी, तो इसमें प्रशासन में अनेक भ्रष्ट और अनैतिक रीतियों का वर्णन मिलता है। अगर बुक को जो भी सार है इसका किसी ने डिटेल में पढ़ा हो तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यकालीन जो प्रशासन था वो भी बहुत ज़्यादा नैतिक संकट से जूझ रहा था। उसका भ्रष्टाचार मेन कारण था, और भी बहुत सारे नैतिक ऐसे कारण थे जो कि प्रशासन के अंदर सम्मिलित थे। और इसमें आगे हम बात करें अगर, तो मध्यकाल में तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने उदारता का एक बहुत ही गलत उदाहरण पेश करते हुए एक एग्जाम्पल वहाँ पर दिया हुआ है कि एक सिपाही को कुछ धन इसलिए उधार दिया ताकि उस धन को रिश्वत में देकर वह अपना वेतन प्राप्त कर सके। तो ये किस तरह की प्रशासनिक स्थिति थी हमारे मध्यकाल में। आगे ऐसे ही मुगल बादशाहों ने भी यहाँ पर बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। यहाँ पर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नजराना दिया जाता था, बख्शीश रिश्वत के रूप में सामाजिक रूप से स्वीकार्य थी। तो नजराना, बख्शीश, ये भी मुगल काल में इंक्लूड थी ये सारी चीज़ें। तो ऐतिहासिक कारक मतलब शुरू से ही ऐसा बनता आया है कि जो भी रिश्वत देना, नजराना देना या कोई धन अवैध रूप से लेना देना, तो ये कोई बुरी बात नहीं थी, हमारे इतिहास से ही ये चला हुआ आया है। तो ये समाज ने एक्सेप्ट किया है, इस कारण से हमारा जो प्रशासन में नैतिकता का जो स्तर है वो धीरे धीरे बिल्कुल गिरता जा रहा है, और आधुनिक समाज में आप लोग जानते हैं इसका स्तर बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया है। कॉर्नवालिस ने भी हमारी जो भारतीय समाज है उसमें भारतीय प्रशासकों की बहुत ज़्यादा आलोचना की है, और कॉर्नवालिस ने एक बिल्कुल स्टेटमेंट कही है कि भारतीय प्रशासन बेईमान और चरित्रहीन है, उसे बेईमान और चरित्रहीन बताया है।
लेकिन हम लोग कॉर्नवालिस ने ये भारतीय प्रशासन पे कहा है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी इंडिया में आई उनके अफसरों के हालात भी बहुत अधिक अच्छे नहीं थे। उनके भी ऐसे ही हालात थे, वो भी रिश्वत लेके काम करते थे, चाहे वो सरकारी काम हो, गैर सरकारी काम हो, कोई भी काम हो, वो भी बिना पैसे के कोई भी काम नहीं करते। तो ये जो बना हुआ चला आ रहा है प्रशासन में, अनैतिक जो परिपाटी चली हुई आ रही है, वो हमारी सामाजिक स्वीकारता के रूप में इतिहास से ही चली हुई आ रही है। इसका परिणाम ये हुआ है कि जो भी प्रशासक वर्ग है वो मतलब कि वो जानता है कि इतिहास में भी इस चीज़ को उचित ठहराया गया है, चाहे वो मुग़ल काल हो, चाहे वो सल्तनत काल हो, या फिर मौर्य शासन हो, कोई भी काल हो। तो यहाँ पर अभिजात वर्ग के प्रशासन में साधारण वर्ग की उपस्थिति तथा भागीदारी को कठिन बना दिया गया है और प्रशासन पे ये लोग बहुत ज़्यादा हावी रहे हैं। ऐतिहासिक कारक इस बात में डिपेंड करता है, तो आपको ये पॉइंट समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं राजनैतिक कारक की। तो आप लोगों को आज पता है कि समाज में जिसके पास ज़्यादा धन होता है वैल्यू उसी की होती है, तो अब किसी के नैतिक मूल्यों की तुलना में समाज में धन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग ये नहीं देखते कि उस बंदे का मूल्य कैसा है, वो कैसा चरित्र है उसका, बस वो ये देखते हैं कि उसके पास कितना धन है। अब ये नहीं देखा जाता, जैसे गांधी जी ने साध्य साधन का सिद्धांत दिया था कि जो भी हमारे पास साध्य हो उसके, वो जो साध्य कमाया गया है वो कौन से साधन से कमाया गया है, पवित्रता के साधन से कमाया जाने वाला साध्य होना चाहिए। बट अब उस कारक पे कोई ध्यान नहीं देता, बस हमारे पास साधन होना चाहिए चाहे वो कैसे भी कमाया है। तो इसलिए धन जो कमाने का साधनों का नैतिक होना अब अनिवार्य नहीं रह गया है। अनैतिक तरीके से कमाए गए धन को भी समाज ने स्वीकृति दे दी है, समाज बस पैसे वालों को पूछता है। इसीलिए अब कोई वैल्यूज़ नहीं रह गई हैं प्रशासन में कि हम जो भी काम करें नैतिक मूल्यों पर चलकर नैतिक आधार पर ही करें। तो इसीलिए समाज ने जब स्वीकृति दे दी तो लोग उसी के ढर्रे पे चलकर अपना अपना काम कर रहे हैं। थर्ड हम बात करेंगे इसमें कानूनी कारक। अब कानूनी कारक इसमें कैसे नैतिक स्थिति के निर्धारक हैं। अगर जो देश का न्याय प्रणाली है, न्यायिक तंत्र है, वो शीघ्र न्याय प्रदान करता है, सुस्पष्ट न्याय प्रदान करता है, तो प्रशासन में नैतिक स्थिति की मजबूती वैसी ही बनी रहेगी। समाज की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि अनैतिक कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के सम्मुख जो भी अपने उसके अनैतिक कर्म हैं उसके प्रति दंड पाए, और ये जो सुनिश्चित किया जाए कि देश का जो न्यायिक तंत्र है वो न्याय प्रदान कर सकता है। कानूनी कारक ये इसमें मेन रोल निभाता है। यदि भ्रष्टाचार करने वाले के लिए साक्ष्य ना हो, कोई एविडेंस ना हो और वो छूट जाएं, या फिर उनके मामले में जो निर्णय आए, जो कि इंडिया में हमेशा आप लोगों को देखने को मिलता है कि जब भी कोई याचिका दायर होती है उसके 30 से 40 से 50 साल बाद निर्णय आते हैं, तो ऐसे टाइम में निश्चित ही अनैतिक कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ता है कि हम लोग काम करेंगे, कानून तो इतना धीरे है कि वो 30-40 साल तक तो कोई निर्णय नहीं आएगा, तब तक कौन कहाँ चला जाएगा कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए कानूनी कार्य में जो होने वाली देरी है नैतिक रूप से ये नैतिक स्थिति का निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए हमें नियमों और विनियमों में स्पष्टता और कठोरता की आवश्यकता ज़रूर होनी चाहिए। तो कानूनी कारक के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजनैतिक कारक की। तो राजनैतिक तंत्र जो होता है, आप लोगों को पता है कि प्रशासनिक तंत्र को निर्देशित करता है, उन्हीं के निर्देशन पे प्रशासन काम करता है हमारा। इस रूप में हम देखें तो प्रशासन नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित करेगा राजनैतिक तंत्र। प्रशासन के विभिन्न राजनैतिक तंत्रों जिसमें कि होता है प्रजातंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, केंद्रकृत, विकेंद्रीकृत, बहुत सारे ऐसे राजनैतिक तंत्र हैं, सबकी अलग अलग अपनी विशेषता होती है और ये प्रशासन में अपने तंत्र के अनुकूल मूल्यों का निर्धारण करते हैं। मतलब कि जैसे राजनैतिक दल आता है केंद्र में सत्ता में, वो उसी के अकॉर्डिंग प्रशासन का नियंत्रण करता है। प्रजातंत्र में जैसे कि हम बात कर सकते हैं समानता और बंधुत्व जैसे मूल्य होते हैं, तो राजतंत्र या तानाशाही होती है तो वहाँ पर आज्ञाकारिता पर ज़्यादा बल दिया जाता है। अगर हम भारतीयों की बात करें तो यहाँ पर प्रजातंत्र है और चुनावी व्यवस्था जो है, आप लोगों को सबको पता है, भ्रष्टाचार,
इसमें बहुत ज़्यादा एक उत्प्रेरक कारक है। चुनावी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है। यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा जो नियम निर्धारित किए जाते हैं उनके अनुसार चंदा इकट्ठा करके चुनाव जो लड़ा जाता है वो बेहद कठिन होता है। ऐसे में अगर प्रत्याशी जो अपनी जेब से अगर जो भी धन खर्च करेंगे या बड़े औद्योगिक घरानों से वो लोग सहायता प्राप्त करते हैं, अगर वो बड़े औद्योगिक घरानों से सहायता प्राप्त करते हैं तो उन्हें जीतने पर अपना धन वापस करना पड़ेगा तो और बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ भी देना पड़ेगा जैसे कि वो राजनीतिक दल में आते हैं। तो इसके लिए उन्हें गलत तरीका भी अपनाना पड़ेगा। कोई भी मान लो उन्हें कोई भी टेंडर निकालना है, कुछ टाइप का इस टाइप का काम करना है, तो पहले वो उन राजनीतिक घरानों को तवज्जो देंगे क्योंकि उन्होंने उस समय जब जो चुनाव हो रहे थे तो उनसे पैसा लिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक तंत्र जो है राजनीतिक तंत्र का अनुकरण करता है और अधिक से अधिक धन कमाने की ये चेष्टा भी करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक कारक कैसे जिम्मेदार हैं नैतिक स्थिति के निर्धारण के। लास्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें वो है आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक किस हिसाब से जिम्मेदार होता है? अल्पविकसित जहाँ पर अर्थव्यवस्था होती है, जहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्था होती है जो कि हमारी इंडिया में है, यहाँ संसाधनों की तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है, सामान कम होता है और लोग ज़्यादा होते हैं उसको लेने के लिए, आर्थिक असमानता होती है, लोगों में आय की असमानता बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर लोगों को नैतिक रहना बहुत आसान नहीं होता। लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए अनैतिक कारकों का यूज़ करते हैं क्योंकि आय सब में बराबर नहीं बटी हुई होती है। ऐसे में प्रशासन को भी अनैतिक कार्य करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाते हैं तो वो नैतिक कार्यों को छोड़कर अनैतिकता में निर्भर हो जाता है। इस कारण से आर्थिक कारण बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं नैतिक स्थिति के निर्धारण में। तो आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि नैतिक स्थिति के कौन कौन से निर्धारक होते हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे, सामान्य नैतिक समस्याएं और मुद्दे कौन कौन से हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, जो अभी मैंने आपको बताया कि नैतिक स्थिति के निर्धारक हैं उसी को आप तोड़ मोड़ के अगर अपने शब्दों में लिखते हैं तो इसी को आप लोग लिख सकते हैं समस्याएं या मुद्दों के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें भ्रष्टाचार की, जो कि मोस्ट कॉमन पॉइंट इन इंडिया है क्योंकि भ्रष्टाचार हर एक गली मोहल्ले नुक्कड़ चाहे आप जहाँ चले जाओ वहाँ फैला हुआ है। छोटी से लेके बड़ी चीज़ों में भ्रष्टाचार एक मूल समस्या बनकर रह गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है भ्रष्टाचार। आप कहीं भी ये पॉइंट लिखोगे सबसे ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा अपने आप ही। इसको समझाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में आप लोग थीसिस भी लिख चुके होंगे, आपको पता है भ्रष्टाचार क्या होता है और आपका इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होगा। किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाओ आप लोगों ने सामना ज़रूर किया होगा इस सब चीज़ों का। तो चलिए आगे हम बात करते हैं मेनली ब्रिटिश शासन की परंपरा के हिसाब से क्या समस्याएं आई या क्या मुद्दे इसमें खड़े हुए ब्रिटिश शासन के कारण। अब ब्रिटिश शासन जो था वो रूढ़िवादी था और यहाँ पर जो सिविल सेवक होते थे वो अभिजात वर्ग के मतलब बड़े वर्ग के लिए जाते थे और आज भी यही होता है कि बहुत सारे जो सिविल सेवक हैं वो उसी से प्रेरणा लेते हैं ब्रिटिश शासन से। मतलब कि हमारी जो शासन प्रणाली प्रशासन की चल रही है वो ऑलमोस्ट ब्रिटिश शासन से ही ली हुई है, उन्हीं के बेस पे आगे बढ़ती जा रही है। इंडिया ने अपना कोई इसमें रोल नहीं निभाया है, इसी कारण हम कह सकते हैं कि अभी भी अंग्रेजों ने की बनाई हुई परंपरा के अनुसार हमारी भारतीय प्रशासन की प्रणाली चलाई जा रही है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या के रूप में सामने आ रही है। अगर हम इंडिया की जनसंख्या, इंडिया की समस्या, इंडिया की हर चीज़ के बारे में ध्यान में रखकर प्रशासन को चलाएंगे या सुचारू रूप से उसका निर्धारण करेंगे तो स्थिति बेहतर हो सकती है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे शक्ति का ढांचा विषमतापूर्ण। इसमें आप लोगों को अच्छे से पता होगा जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके पास इतनी अधिक शक्ति होती है कि ना वो भ्रष्टाचार को मतलब कि अपना सकते हैं, बल्कि अधीनस्थ जो होते हैं उनके कर्मचारी
उनको भी भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, मतलब उन्हें वो लालच दे सकते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, या सो कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर शक्ति जो है बड़े को ज़्यादा है, ऊंचे अधिकारियों को ज़्यादा है, नीचे अधिकारियों को कम है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अनैतिक है, समस्या के रूप में इंडिया में सामने आई है। थर्ड इसमें पॉइंट बात करते हैं, नौकरशाही तटस्थ ना रहकर राजनीति। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्रशासन में नौकरशाही में ज़्यादातर राजनीति का दखल होने लगा है। पहले ये समस्या सिर्फ राज्यों तक सीमित थी, जैसे कि जो भी राज्य है, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, जो भी स्टेट्स हैं हमारे जितने भी, वहाँ पर जो होता था, दोनों का जो कम्युनिकेशन होता था वो मतलब कि राजनीति से अटैच होता था हमारा प्रशासन। जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे कि इलेक्शन आने वाले हैं, अब नई सरकार आएगी तो बहुत अच्छे से वैकेंसी निकालेगी। मान लो कि जैसे कि उच्च वर्ग को ध्यान में रखने वाली सरकार आई तो वो उच्च वर्ग को ज़्यादा ध्यान में रखेगी। मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ, इससे कोई भी पर्सनली प्लीज़ ना ले, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर में चलता है मैं सिर्फ उसी को लेके आपको बता रही हूँ। जैसे कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, तो जब भी लास्ट में इंटरव्यू के बाद लिस्ट आती थी तो आप लोग उसमें देख सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ यादव की संख्या ज़्यादा भरी होती थी। इसे कोई भी पर्सनली प्लीज़ ना ले, मैं सिर्फ अखबार की कटिंग बता रही हूँ आपको, जो कि उस समय न्यूज़ में चल रहा था। तो इसीलिए जब सरकार चेंज होने वाली थी, योगी आने वाले थे सरकार में, तो लोगों में ये बढ़ गई कि अब ऊँचे वर्ग को, ब्राह्मण और क्षत्रियों को ज़्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब उनको ज़्यादा दिया जाएगा नौकरियों में चांसेस। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि नौकरशाही अब तटस्थ ना होकर राजनीति हो गई है, राजनीति और प्रशासन में गठजोड़ हो चुका है, लोग एक प्रशासन और राजनीति मिलजुल कर यहाँ पर कार्य कर रही है, जो कि अनैतिक है। यहाँ पर नैतिकता की बात नहीं हो रही, अनैतिकता की बात हो रही है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, राजनैतिक दबाव अत्यधिक। यहाँ पर जो कोई काम है, अगर कोई बंदा राजनीति, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में है उसके विरुद्ध कोई काम करता है, तो या तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उसको डिमोशन किया जाता है उसका। तो इसलिए यहाँ पर प्रशासन को जो भी कार्य करना होता है वो राजनीति को देखकर करना पड़ता है। राजनीति दबाव प्रशासन में बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह गठबंधन सरकार में कई दलों को पहले से पता होता है कि सरकार अस्थिर है और सत्ता कभी भी हाथ से निकल सकती है, इसीलिए वो कम से कम समय में बहुत ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं। तो यहाँ पर वो करप्शन राजनीति के साथ साथ प्रशासन में भी आता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर धन कमाया जाता है, और जो अच्छा काम करना चाहता है उनको काम नहीं करने दिया जाता, उनको नीचे पुश किया जाता है कि वो काम ना कर सके। उनका बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आप लोगों को पता होंगे कि राजनीतिक दबाव प्रशासन में किस तरह से है, तो आप मुझे कमेंट करके एग्जांपल एक दो आईएएस ऑफिसर्स का बताइए। जैसे कि ऑफिसर दुर्गा का एक एग्जांपल था, आप लोग जानते हैं, अशोक खेमका का एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आप लोग जानते हैं। तो एक आध एग्जांपल आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं हमारे, तो ये आपका एक एग्जांपल भी तैयार हो जाएगा एथिक्स में, अगर आप अपने खुद के एग्जांपल लेकर आते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उचित कार्य संस्कृति का अभाव। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा प्रशासन में काम चल रहा है, अंदर का जो ऑफिस है, क्लर्कियल ऑफिस की मेन बात करें, तो वहाँ जो कार्य की संस्कृति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे कि अच्छा काम करने पर कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाता, काम सही ढंग से ना करने पर या काम ना करने पर कोई हानि भी नहीं होती है, स्पष्ट आचार संहिता का अभाव है, कि मतलब किस प्रकार का काम एक, या फिर किस प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट का, और कई मुद्दों पर तो आचार संहिता के नियम समझ में ही नहीं आते, स्पष्ट ही नहीं है, पारदर्शिता नहीं है बिल्कुल भी प्रशासन के अंदर। अगर हम कोई काम करवाने जाएं तो वहाँ बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कई बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं।
जवाबदेही की निश्चित ढांचे का अभाव है यहाँ पर। जवाबदेही मीन्स कि प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, उनको वो जो भी काम कर रहे हैं जनता अगर जानना चाहती है तो उनको बताना चाहिए, तो इसका अभाव है इसके अंदर। और भ्रष्टाचार को जो उद्घाटित करने वाले हैं उनके लिए उचित सुरक्षा नहीं है यहाँ पर, जो कि विसिल ब्लोअर कहलाते हैं। विसिल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब इंतज़ाम है इस प्रशासन के अंतर्गत। ऐसे ही विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के में जो भी सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं वहाँ पर गहरे मतभेद पाए जाते हैं। जैसे कि सवर्ण व आरक्षण से आए कर्मचारी के अपने अपने दबाव समूह हैं जो प्रशासन प्रक्रिया को कई बार बिल्कुल बंद कर देते हैं। यदि किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो प्राय देखा जाता है कि उस वर्ग के सदस्य अपने वर्ग के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर सरकारी सेवाओं के प्रभावी दबाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। तो पूरे प्रशासन में हमारे कार्य संस्कृति जो है वो बिल्कुल भी उचित प्रकार से काम नहीं कर रही है, इसीलिए यहाँ पर बहुत एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है भारत में प्रशासन के संदर्भ में। आगे हम बात करेंगे कमज़ोर कानूनी प्रणाली। इसके बारे में हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार का मामला पहले तो सामने ही नहीं आता, और अगर सामने आ भी जाता है तो उसको उस पर कार्य प्रणाली लागू होने में चलने में 10 से 20 से 50 साल तक लग जाते हैं। ऐसे में लोग भगवान के पास भी चले जाते हैं और उनका कोई भी न्याय निर्णय नहीं हो पाता है। तो इससे लोग समझते हैं कि जब तक न्याय आएगा तब तक हम लोग तो अपना काम कर ही सकते हैं, तो कानून प्रणाली बहुत ही यहाँ पर कमज़ोर है। ई प्रशासन का कम प्रयोग, अब तो काफ़ी स्थिति में यहाँ पर ई प्रशासन का प्रयोग हो चुका है, लेकिन हम जनता की अगर एक परिप्रेक्ष्य में देखें, नज़र से देखें, तो ग्रामीण जनसंख्या अभी तक ई प्रशासन का प्रयोग नहीं कर पाई है। और कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स में अभी भी ऐसी है कि वो लोग अपनी सारी उचित नीतियों को, जो भी वो नीतियाँ निर्धारित करते हैं या अपनी जो भी उनकी योजनाएं हैं उनके बारे में जनता को पूरी पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। कोई भी उनकी चीज़ें प्रॉपर इंटरनेट पे मौजूद नहीं हैं, तो इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अभाव है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ सुझाव भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं आप उसको अपोजिट करके उसको पॉजिटिव वे में लिख के आप यहाँ पर एक टॉपिक और यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। इस समस्याओं के सुझाव के बारे में आप यहाँ बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो भी है आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सरकार को उचित रूप से कदम उठाने चाहिए। अधिकारियों का स्थानांतरण जो है बहुत कम होना चाहिए, और बिना पर्याप्त कारणों से जो स्थानांतरण होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा कदम उठाए हैं और जवाब देने का निर्देश भी दिया है। और बहुत सारे जितने भी यहाँ पॉइंट्स हैं उसको आप पॉजिटिव वे में लिख के सुझाव के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि ई प्रशासन का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार में कमी आ सके, राजनीतिक दबाव को कम से कम किया जाना चाहिए, और अगर जहाँ तक संभव हो वहाँ पर अदालत का भी यहाँ पर हस्तक्षेप होना चाहिए। इस टाइप से आप यहाँ पर सुझाव भी दे सकते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है पूरा। बुनियादी मूल्य सिविल सेवा के लिए यहाँ पर ये पूरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को अगर कोई पॉइंट लग रहा है कि छूट रहा है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम देखेंगे कि आप लोगों को और क्या उचित बेहतर सेवा प्रदान हम लोग कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।